शौरा की जोड़ी फैंस के लिए बहुत मायने रखती है। इन दिनों में उनके ब्रेकअप की खबरें लगातार जोरों पर हैं, चर्चाओं में हैं। लेकिन ब्रेकअप की खबरों के बीच में उन दोनों का एक गाना आया, रोमांटिक सा गाना था, बेहद प्यारा था। अब फैंस को लगने लगा कि ब्रेकअप की खबरें सिर्फ खबरें थी, अफवाहें भर थी, हमारी शारा तो आज भी साथ है और ये दोनों जरूर शादी के मंडप तक पहुंचेंगे ही। लेकिन अब ऐसे में शारा यानी कि राकेश बापट और शमिता शेट्टी ने खुद अलग अलग अपने तरीके से बताया कि भाई साहब रिश्ता खत्म हो चुका है, ज्यादा सोचो नहीं लेकिन प्यार इसी तरीके से अपना बरकरार रखो। जी हाँ, शमिता शेट्टी ने अपनी पोस्ट में साझा करते हुए कह रही हैं कि भाई आप लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम मिले एक शो पर, हमने चीज़ें कंटिन्यू की लेकिन आज के वक्त में हम बिल्कुल साथ नहीं हैं। आप जो हम पर ये प्यार बचा रहे थे, आप इसे प्लीज़ कंटिन्यू रखें और इंडिविजुअल्स की तरह हमें यूं ही प्यार करते रहें। राकेश बापट ने भी कहा कि धन्यवाद, और आप लोग सोच रहे हैं कि ये गाना आया था तो ये आप लोगों के प्यार के लिए ही था कि आप लोगों ने शारा को इतना ज़्यादा प्यार दिया तो ये आपके लिए तोहफा था। लेकिन अगर इससे आप ये समझ रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ है, डेट करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक संयोगवश एक शो पर मिले, कुछ वक्त के लिए साथ थे लेकिन आज इस पल में हम साथ नहीं हैं। हम दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली है। जिस तरीके से शारा फैंस, आपने हम दोनों को साथ में रखकर प्यार दिया है, ये प्यार बरकरार रखिए लेकिन अलग अलग इंसानों के तौर पर, अलग अलग शख्सियतों के तौर पर। वेल, अब यहाँ पर शारा ने साफ तौर पर कह दिया है अपने फैन से कि उम्मीद मत लगाओ, साथ नहीं है, रिश्ते अलग कर लिए हैं लेकिन साथ में जो प्रोजेक्ट आया है उसे भरपूर प्यार दें और अपना प्यार हम पर यूं ही बरसाते रहें। अब इस पर आप क्या कहेंगे बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।